लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह भरैया से एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज मनु ने खास बातचीत की, सुनिए। भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं और भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी और वर्तमान में कांग्रेस के विधायक फूल सिंह भरैया जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भरैया जी, इस बार का लोकसभा चुनाव क्या कह रहा है? इस बार का लोकसभा चुनाव तो टोटल तो इंडिया गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ कि इंडिया गठबंधन बनाएगा। अच्छा, हाँ जी। और रही बात ये दतिया भिंड पार्लियामेंट की, तो भिंड दतिया पार्लियामेंट में मेरा वैसे सभी जगह काम है। हाँ। चूंकि मेरा काम एक रॉ मटेरियल रूप में पड़ा हुआ है, मैं जहाँ भी उतरूँगा बीजेपी मुकाबले में नहीं है। अच्छा। नहीं, मैं बहुत आगे जाऊँगा, बहुत ही आगे। चूंकि बीएसपी को मध्य प्रदेश में और चंबल संभाग में आपने लंबे समय तक जिंदा रखा, फिर आपने बीएसपी छोड़ दी, आप कांग्रेस में आ गए, उसके पहले आपने अपनी पार्टी भी बनाई इसी उम्मीद के सारे, लेकिन चूंकि चंबल संभाग है वो एक जातिगत समीकरण यहाँ बहुत ज़्यादा है और मुद्दों से हटकर जातिगत वोटिंग भी यहाँ पर होती है, क्या उसी उम्मीद के जरिए आप मानते हैं कि ये कुछ अलग संकेत देगा? नहीं नहीं, ऐसा मेरा कुछ नहीं है जी। मैं जाति की राजनीति दरअसल करता नहीं हूँ, वो तो विरोधी पार्टियाँ होती है वो बदनाम कर देती हैं। अच्छा। मेरा जितना काम, जितने लोगों के लिए मैंने जो काम किया है, उतना काम इस पूरे भारत में कोई कर ही नहीं सकता है, मेरा चैलेंज है इस बात का। और भिंड में, भिंड पार्लियामेंट, दतिया भिंड पार्लियामेंट है, इसमें आप अभी आप जाएंगे घूमेंगे, ऐसी कोई भी कम्युनिटी नहीं मिलेगी जो मुझे वोट ना दे रही हो, मुझे कहेगा हम वोट नहीं देंगे। मेरा काम है, लोगों के बीच में मैंने काम किया, ये तो मैं अभी लड़ रहा हूँ। मैं जब लड़ता नहीं हूँ या मैं जब हार जाता हूँ कभी, मान लीजिए, उसके बाद मैं उनके काम आता हूँ, वो मेरे को अपना घर का सदस्य मानते हैं। मैं, मेरा नाम यहाँ मैं खड़ा हूँ, लेकिन गांव में बहन भाई, भाई बहन की रक्षा नहीं कर सकता, लेकिन मेरा नाम लेकर के वो गांव में भी सुरक्षित है। बीच में आपके कुछ बयान आ जाते जिसके कारण कांग्रेस पार्टी के नेता भी कहते हैं कि यार हमको संकट में डाल दिया। कांग्रेस पार्टी, देखिए कांग्रेस पार्टी की अलग बात है, मेरे जो बयान हैं वो नरोत्तम मिश्रा जी ने खुद के लालच में, उनको अमित शाह जी ने कहा था कि अगर ये भंडर सीट जीतेंगे तो आगे की दौड़ में जाएंगे, अब हारेंगे तो आपका गृह मंत्रालय चला जाएगा। अच्छा, हाँ जी, ये उनने कहा था। तो मतलब आपकी जीत से उनका गृह मंत्रालय निपट गया, पर वो तो चुनाव ही नहीं जीत पाए। नहीं, अब तो चुनाव, वो तो मैंने कहा था कि आपने मुझे जिस तरीके से हराया है, अनैतिक तरीके से, मैं कह रहा हूँ नैतिक तरीके से हराओ, मैं उसका स्वागत करूँगा। वहाँ थानेदारों को इन्होंने बूथ कैप्चरिंग करने के लिए आदेश दिए थे, पुलिस वालों ने 10-10 बटन दबाए थे। अच्छा। 108 नंबर गाड़ी, 100 नंबर गाड़ी में मांस, बकरे और शराब बांटी गई थी, और उसमें सारे अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे, और डबरा में बुला बुला करके भले आदमियों को वहाँ पर उनके साथ उन्हें नाइंसाफी की, जेल तक में भेजा था, इतना डरा दिया था। लेकिन आप अपने लोगों को कैसे रोकेंगे, क्योंकि तमाम कांग्रेस के नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, कल भी भोपाल में दतिया के कई लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की, लोकसभा का जो प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहा है वो भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चला गया, तो सबसे पहले घर के लोगों को आप कैसे रोकेंगे? ये जो जितनी चर्चा आप कर रहे हैं ये शून्य है, इसका कोई महत्व नहीं है। और मैं ये कहूँगा, हालांकि इस समय में नहीं कहूँगा, आगे कहूँगा, कि जो लोग कांग्रेस को, कांग्रेस में रह करके बीजेपी का माइंड रखते हैं, मतलब दिल तो है, शरीर है कांग्रेस में और दिल बीजेपी में। अच्छा। ऐसे लोगों की छटनी अगर जिस दिन हो जाएगी, कांग्रेस पार्टी बहुत आसमान में छा जाएगी। आप चुनाव लड़ रहे हैं जीतने के लिए, या जीत गए तो क्या करेंगे, आपके मन में क्या प्लान है इस क्षेत्र के लिए? नहीं, देखिए, जीतने की, मैं जीतूंगा पहले तो करोड़ों लोगों के दिल में उनके प्रति सुरक्षा का भाव पैदा हो जाएगा। मैं उनकी रक्षा करता हूं और मैं जीत गया, पावरफुल हो गया, वो लोग खुश हो जाएंगे, वो उनके घर में खुशहाली आएगी। भिंड लोकसभा, भिंड दतिया लोकसभा एक ऐसी लोकसभा है, इस पर दो रोड हैं, भिंड से ग्वालियर और दतिया से स्योड़ा। हाँ। ये हॉरर रोड है, हॉरर रोड। हाँ, हाँ। यहाँ डेथ होती है। मैं लगातार सफर कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, देख रहे होगे। हाँ। इसमें बिना डिवाइडर की रोड है। हाँ। और एक डेढ़ आदमी डेली मरता है, रिकॉर्ड है इसका, भिंड भिंड वाला, और एक का यहाँ का है, एक आदमी रोज मर रहा है, मतलब एवरेज। तो मेरा, आपके फोकस में ये रोड? हाँ, मेरे फोकस में रोड है, मेरे फोकस में मेडिकल कॉलेज भिंड का है, मेरे फोकस में एजुकेशन का हब है,
जब तक भिंड को एजुकेटेड पूरी तरह से जो हब नहीं बनाया जाएगा तब तक वहाँ का विकास रुका पड़ा रहेगा, ये मेरे फोकस है मेरा। आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इलाके में हम दतिया में घूम रहे हैं, आपके इलाके भिंड में घूम रहे हैं और वहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहाँ के लोगों के दिल में क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।